आई नीड अ ब्रेक. यस आई वॉन्ट, क्योंकि यार डेली व्लॉगिंग ना इजी है, आपकी नजर में भी इजी है, मेरी नजर में भी इजी है, रिकॉर्ड करना भी इजी है, एडिट करना भी इजी है. लेकिन जब आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपकी वाइफ आपके साथ हो और गुड न्यूज आपके साथ हो, तो सब कुछ देखना पड़ता है. क्योंकि जितना प्यार मैं अपनी फैमिली से करता हूँ, अपनी वाइफ से करता हूँ, लाइक आप सबसे भी उतना ही करता हूँ. क्योंकि मैं जो व्लॉग्स बनाता हूँ वो मैं पहले वैसे शौकिया बनाता था, लेकिन इतने लोग अटैच हो गए मेरी व्लॉगिंग से कि उनका भी दिल नहीं लगता. लाइक कुछ होंगे बोलेंगे अबे जा यार, लाइक इस तरह भी होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह है जो कि अपनी फैमिली समझते हैं हमारी फैमिली को, और हमारी जो इन्जॉयमेंट होती है वो अपनी इन्जॉयमेंट समझते हैं. तो उन सब का तो मैं दिल से ही थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि इतना प्यार अगर आप लोगों ने हमें किया है ना, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि आप लोग को भी उतना ही प्यार दूँ जिस तरह का आप चाहते हो. पहले जो मैं व्लॉग के अंदर कुछ भी बोल देता था ना, लाइक मुझे फील नहीं होता था कि यार लोग क्या बोलेंगे, अब व्लॉग में कुछ छोटी सी चीज़ बोलते हुए भी ना 100 बार सोचना पड़ता है, और वो जो सोच है ना वो आपके दिमाग को डैमेज करती रहती है आहिस्ता 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 आहिस्ता. तो कुछ टाइम से यही हो रहा है कि मैं सोचता हूँ कि अब ये करूँ तो ऑडियंस खुश होगी, ये नहीं करूँ तो ऑडियंस नहीं खुश होगी. तो इसी सोच की वजह से ना मैं अपनी टेंशन तो ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, उसके चक्कर में वाइफ को टाइम दे पा रहा हूँ. आप लोग के सबके सामने है कि यार आप लोग खुद भी मुझे कभी बोलते हो कि यार वाइफ के साथ भी अकेले निकला करो, वाइफ को भी टाइम दो, लेकिन मैं क्या करूँ नहीं दे पा रहा, बिल्कुल नहीं दे पा रहा. क्योंकि मैं दिन भर रिकॉर्ड करता हूँ और रात में फिर एडिट के लिए बैठ जाता हूँ, तो कहाँ टाइम उसको दे पा रहा, नहीं दे पा रहा. तो बस मैंने आपको अभी से बता दिया कि मुझे ब्रेक लेना होगा, लेकिन ये कब लेना होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह सून बता दूंगा, या इसी मंथ मैं ब्रेक लूँगा, मतलब वो व्लॉग जो डालूंगा ब्रेक वाला वो या इसी मंथ लूँगा या फिर नेक्स्ट मंथ लूँगा, लेकिन लूँगा लाजमी, ताकि जो मेरा माइंड लूज हुआ है ना